आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिहार इन्फो के इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो भी छात्र का नाम विश्वविद्यालय आरा के किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया है और विश्वविद्यालय आरा आपको नाम, फादर्स नेम, कॉलेज नाम, सब्जेक्ट नाम जो भी है चेंज करने का मौका दिया है। चलिए चेंज कैसे करना है आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल सर्च करना है। गूगल पर सर्च करने से पहले आपको बिहार इन्फो डॉट इन ये सर्च करना है, BIHR ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है कि आ जाना है वेबसाइट पर। यहाँ पे वेबसाइट पर आ गए हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थर्ड मेरिट लिस्ट यहीं पे डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, लेकिन आपको BKSU का यहाँ पे क्लिक कर देना है। BKSU इस पर आपको क्लिक कर देना है। BKSU बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि BKSU आरा का सीट एबिलिटी भी लाइव चेक है। BKSU आरा का सेकेंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी होता है। आपका जो एडमिशन होगा यहाँ पे एडमिटर स्टेटस भी देख सकते हैं, लेकिन हमको 22 से 25 सेशन में आकर यहाँ पे सबसे पहले सीट एबिलिटी चेक करना है। चलिए सीट एबिलिटी हम पहले चेक कर लेते हैं। देखिए अब हमको यहाँ पे हिंदी फिलअप करना है सब्जेक्ट पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एडमिशन स्टेट सीट पर क्लिक करेंगे और हमको क्या करना है कि हिंदी ऑनर्स लेना है, तो हिंदी पर हम क्लिक कर दिए। इसके बाद यहाँ पे हिंदी करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है हमको बक्सर में नामांकन है तो बक्सर करेंगे। इसके बाद हम शो करेंगे। शो करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 125 सीट है और यहाँ पे 14 ही सीट खाली है, तो हम इस कॉलेज के चुनाव नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 92 सीट है और यहाँ पे भी 92 सीट है, तो यहाँ पे हम क्यों ना नामांकन लें, क्योंकि 92 यहाँ पे सीट है। यहाँ पे जनता कॉलेज में भी सीट है, 46 सीट है। सरकारी कॉलेज यहाँ पे 2 है, लेकिन हम सरकारी कॉलेज में नामांकन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स वाले छात्रों का या जिनका लिस्ट में नाम आया था नामांकन नहीं कराए वो छात्र यहाँ पे डालेंगे तो उनका नामांकन यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन हमको प्राइवेट कॉलेज के चुनाव करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक लॉगिन करना है। वेबसाइट पर आकर आपको लॉगिन करने का भी मौका दिया गया है वेबसाइट पर। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे बिहार इन्फो डॉट इन सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे आएंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे BKSU आरा का जो लिंक है इस पर एक्टिव करेंगे। और आपको बता देते हैं कि आप नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, नया आपका परिवार है बिहार इन्फो, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और 22 से 25 पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडमिशन पे यहाँ पे देख सकते हैं BKSU न्यू एडमिशन पे इस पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि ये सुधार है। तो अब इसके बाद क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फिलअप करना है आईडी पासवर्ड के साथ कैप्चा फिलअप करना है। चलिए कैप्चा को हम फिलअप करते हैं। कैप्चा को यहाँ पे डालने के बाद आपको क्या करना है कि पहले कॉलेज का देख लेना है क्या कॉलेज का सीट है। अब देखिए यहाँ पे हम कर दिए। अब ऑफर लेटर वाले छात्र जिनका 45% से कम है, कल भी वीडियो बनाए थे 225 नंबर से कम है, तो आपको करना है कि ऑफर लेटर यहाँ पे आना है। यहाँ से ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ऑफर लेटर पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलेज से एक्टिव होगा। कॉलेज में जाएंगे बताएंगे कि हमको ऑफर लेटर से नामांकन है, तो ऑफर लेटर यहाँ से एक्टिव होगा, आप यहाँ से नामांकन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप पेमेंट जल्दी जमा कर देंगे, पेमेंट स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है कि ये तो ऑफर लेटर के लिए जिनका 45% से मार्क्स कम है, यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर नामांकन ले सकते हैं। यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद अभ्यर्थी व्यूअर में जाएंगे और यहाँ पे यदि कोई गलत नाम आपका पिताजी का नाम, जेंडर कोई गलत है तो जेंडर भी सुधार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो जन्मतिथि है ये आरा से सुधार होगा। और यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे हम जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डाउनलोड PDF पे जाते हैं, यहाँ PDF डाउनलोड करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये PDF हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये PDF हम ओपन करते हैं। यह PDF देखिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैटेगरी में जनरल है और यहाँ पे आप EWS देखेंगे तो EWS है। इन सभी छात्र का जो भी गलत है ये आपको आरा यूनिवर्सिटी में जाकर सुधार करना होगा, ये आप जान लीजिए। यदि आपका जनरल है EWS है तो ये आरा से सुधार होगा। लेकिन हम बात करते हैं सब्जेक्ट चेंज का, तो चलिए टेक्स्ट बुक पे जाते हैं। इसके बाद महाविद्यालय का क्रम चेंज करना है। सबसे पहले ये कॉलेज जो है रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये हम सभी कॉलेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या करना है हमको कि हिंदी कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी हिंदी, डिस्ट्रिक्ट हमको बक्सर कर देना है। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम चाणक्य यहाँ पे डाल दिए,
चना क्या डालकर ऐड कर दीजिए। इसके बाद हमको जनता कॉलेज या चौसा है, ये चौसा कर दिए। चौसा करने के बाद जो भी कॉलेज है आप यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद के मंडल है तो के मंडल कर दीजिए। इसके बाद जो भी कॉलेज है आप देख लीजिए, आप लोग कागज़ पे पहले लिख लीजिएगा। LBT कॉलेज भी डाल दिए। इसके बाद LBT कॉलेज, सुमित्रा महिला, DKM डुमरी, जनता कॉलेज धनसोई, तो ये चार कॉलेज हम चुनाव किए हैं। चार कॉलेज का चुनाव करके यहाँ पे सेवन कंटिन्यू कर देंगे। आप नीचे आप जैसे ही आएंगे तो ये आप PDF नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आप डाउनलोड करेंगे और इसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे कॉलेज का चुनाव कर दिए हैं और इनका थर्ड मेरिट लिस्ट में देखते हैं कि अपडेट आता है। तो यही था प्रोसेस, आप ऐसे ही चेंज कर लीजिए, सबका नाम आ जाएगा थर्ड लिस्ट में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।